इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले कॉर्टल 40 mg टेबलेट्स के बारे में। कॉर्टल 40 mg टेबलेट्स का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिन यूज करता है, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, यूज़ करने से आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकती है, इसके अंदर क्या क्या इंग्रीडियंट्स डालेंगे और ये किस प्रकार काम करता है, उसका डोजन कितना होना चाहिए, तो कॉर्टल 40 mg टेबलेट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल भी वीडियो पर पहली बार विजिट किए या आप ही अपने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं कॉर्टल 40 mg टेबलेट्स, जो कि हमारे पास 15 गोली का स्ट्रिप्स है। जिसकी MRP की बात करें तो इसकी MRP टाइम के साथ बदलती रहती है। आज जो हमारे पास स्ट्रिप्स है उसकी MRP 56 यानी कि 56 रुपये के करीब इसकी MRP है। कॉर्टल 40 mg टेबलेट्स को कोरोना रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। कॉर्टल 40 mg टेबलेट्स के अंदर इंग्रीडियंट्स की बात करें तो इसके अंदर इंग्रीडियंट्स है टेलमिसार्टन 40 mg टेबलेट्स इसके अंदर डाले गए हैं। कॉर्टल 40 mg टेबलेट्स का यूज़ के बारे में बात की तो इसका इस्तेमाल हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक से बचाव और इन स्ट्रोक्स और हार्ट फेल के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि टेबलेट ट्रीटमेंट करती है हाइपरटेंशन में यानी कि हाई ब्लड प्रेशर में और हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचाव के लिए, और ये टेबलेट ट्रीटमेंट करती है हार्ट फेलियर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉर्टल 40 mg टेबलेट्स का इस्तेमाल उच्च ब्लड प्रेशर और हार्ट फेल के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये टेबलेट्स ब्लड प्रेशर को कम करने और फ्यूचर में होने वाले दिल के दौरे स्ट्रोक को रोकने में मदद मिलती है। ये टेबलेट्स डायबिटीज़ के मरीजों में किडनी फंक्शंस को सही रखने में असरकारक साबित होती है। कॉर्टल 40 mg टेबलेट्स का डोज और ड्यूरेशन की बात की तो इसका डोज और ड्यूरेशन आपकी एज और वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है और वेट कितना है, आपकी कंडीशंस कैसी है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका डोज और ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। तो इसका डोज और ड्यूरेशन अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करिए। अगर आप इसको कंटिन्यू बेस पर इस्तेमाल की जा रही है यानी कि अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल नहीं करिए, कंटिन्यू बेस पर इसका सेवन किया जा रहा है तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। यानी कि टेबलेट्स को अगर आप ओवरडोज लेते तो इसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। साइड इफेक्ट में आपको हो सकता है आपको साइनस इन्फेक्शन होना, पेट दर्द होना, डायरिया दस्त होना, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो कॉर्टल 40 mg टेबलेट्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। कॉर्टल 40 mg टेबलेट्स किस प्रकार काम करता है यानी कि हाउ टू वर्क्स कॉर्टल 40 mg टेबलेट्स। कॉर्टल 40 mg टेबलेट्स के अंदर जो दवाई रहती है यानी कि टेलमिसार्टन 40 mg टेबलेट्स, वो एक एंजियोटेंसस यानी कि एक प्रोटीन रिसेप्टर ब्लॉकर यानी कि ARB होता है। यह आमतौर पर रक्तवाहिका को सख्त करने वाली केमिकल को एक्शंस को रोककर रक्तवाहिका को आराम पहुंचाती है। यह ब्लड को सुचारू रूप से फ्लो करने और हार्ट को अच्छी तरह से पंप करने में मदद करता है। कॉर्टल 40 mg टेबलेट्स को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करिए, बाद में इस टेबलेट्स का इस्तेमाल करिए। अपने मन से कॉर्टल 40 mg टेबलेट्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करिए। तो कॉर्टल 40 mg टेबलेट्स के बारे में कुछ भी डाउट हो मेरी कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज डिस्कशन में ईमेल आईडी दी है वहाँ पर बताएं। कॉर्टल 40 mg टेबलेट्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज और नॉलेज के लिए था। कोई भी टेबलेट्स का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।